Do you want to know? Hello everyone. आज मैं आप लोगों को अपने शिप का नेविगेशन ब्रिज के बारे में दिखाऊंगा कि एक्चुअली हम लोग शिप चलाते कैसे हैं और चलाने के टाइम में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, मतलब हम लोग किस तरह से कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करके शिप को चलाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा अपने शिप का जो ब्रिज है वो किस टाइप का है, क्या क्या उसके अंदर रहते हैं, कैसे कैसे क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो आज मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगा, तो मेरा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट ऐसे टेबल है और इस पर बस फाइल रखे हुए रहते हैं। और ये सामने में हमारा एक डिश है, ये एक्चुअली जो होते हैं रूट प्लानिंग के लिए होते हैं, जो जहाज के जैसे नॉर्मल आप मोबाइल का गूगल मैप समझ लीजिए, ये हमारा मैप्स है, इसके अंदर मैप्स रहते हैं। और हमारा ये साइड में कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, GPS है, स्पीड लॉग है। तो इसके ये तो GPS आपको पता ही है, स्पीड लॉग है, स्पीड जहाज का जो स्पीड है वो बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। GPS का आपको पता ही है पोजीशन के लिए होता है। ये हमारा GMDSS कंसोल है, सेट सी का है, इमारसेट सी है हमारा, ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन है और इमरजेंसी में जो कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें यूज करते हैं। ये हमारा लैपटॉप ऐसे काम करने के लिए, ये हमारा वो GMDSS का है, जो ये हमारा प्रिंटर है, यहाँ से मतलब जैसे कोई भी नेविगेशन वार्निंग या कोई भी मेट्रोलॉजिकल वार्निंग आते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट में हम लोग उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ये ब्रिज का ये व्यू है, यहाँ से हम लोग जहाज को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, यहाँ से हम लोग खड़े होकर लुकआउट करते हैं। ये हमारा रडार है, रडार पे टारगेट हम लोग एक्वायर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा GPS है, इसके बाद ये जो दोनों GPS ही लगे हुए हैं, उधर AIS था। ये हमारा एक डिस है, वही जो मैं दिखा रही, इस पर गूगल मैप की तरह ये यूज करते हैं। ये एक डिस जो है हमारा, इसके अंदर जो लोड रहते हैं मैप्स लोड होते हैं, ये रडार ही है, अभी स्टैंड बाय मोड में है क्योंकि अभी हमारा जहाज रुकी हुई है, ये जब चलते हैं तो फिर। ये हमारा बेसिक कंसोल है, जो ऑल इन वन कंसोल है, इसमें सारा सारे इक्विपमेंट का ये इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। ये हमारा रडार है, ये हमारा बैलास्ट का पैनल है, ये बैलास्टिंग डिब्लास्टिंग भी होता है। ये हमारा ये वही एक डिस है, तो इसका मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक डिस जो ये गूगल मैप की तरह होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कितने फंक्शन है, या डे डेस्क नाइट, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ये सब फंक्शन होते हैं। इसमें जो होता है ना, बेसिकली जो मैप लोड होते हैं, जो हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग इसी के थ्रू नेविगेट करते हैं। इसमें हम लोग सारा कुछ लोड कर देते हैं, सारा कुछ इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं इसको जैसे गूगल मैप में आप समझ लो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आप क्या करते हो, इनिशियल लोकेशन डाल देते हो, फाइनल लोकेशन डाल देते हो, तो आपको ऑटोमेटिक रास्ते रहते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक उसमें कुछ करने नहीं होता। लेकिन इसमें हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा मेहनत करने पड़ते हैं, हमें चार्ट करेक्शन चार्ट दिया हुआ रहता है, लेकिन हमें मैनुअली इसे बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत चार्ट करेक्शन करने पड़ते हैं क्योंकि डेप्थ के अनुसार और कहीं लैंड पे तो नहीं जा रहे हैं, तो वो सब मुझे देखने पड़ते हैं। तो वो भी सेम एज लाइक गूगल मैप ही है। तो ये हम लोग इसके मदद से हम लोग जहाज को नेविगेट करते हैं, और इसके आइडिया के इसके ऊपर इसी ट्रैक पे हम लोग जहाज चलते हैं। समझ लो ये हमारा मैप के तरह ये होता है। ये सामने में ये पब्लिक टॉयलेट है, ऊपर आप देख सकते हो सारा वो जो हमारा अल्फा वाला फ्लैग होते हैं वो है। तो ये आपके समझ में आएगा नहीं, ये पेंट्री है, पेंट्री एरिया, यहाँ पे आप कॉफ़ी चाय ब्रेक के टाइम में, अगर आपको कुछ कॉफ़ी टी पीना है तो वो आप पी सकते हो। बाहर आप ब्रिज विंग देख सकते हो, वो हमारा ब्रिज विंग है, अगर जैसे कुछ भी चीज़ आपको दिख नहीं रहा अंदर से तो बाहर जाकर देख सकते हो। ये हमारा शिप पार्टिकुलर्स है, इसके अंदर शिप का जितना इन्फॉर्मेशन है, लेंथ ब्रेथ और क्या नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा फ्लैग का रखने वाला, सारे कंट्री का इसमें फ्लैग है, जैसे हम जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का फ्लैग हमें होस्ट करना होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाएं, तो वहाँ पर अगर स्पोर्ट पे आप जा रहे हो तो उसका फ्लैग आपको लगाना पड़ेगा। ये पूरा ब्रिज का देख लो आप, सामने का व्यू है, ये हमारा सामने का व्यू है, ये इंटरनल, ये हमारा ब्रिज का पूरा ये कंट्रोल है, ये पायलट चेयर है, मास्टर चेयर है। तो इस तरह हमारा पूरा ब्रिज का ये पूरा व्यू होते हैं, इस तरह हम लोग यहाँ पे खड़े होकर लुकआउट करते हैं और जहाज को यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं, जहाज को चलाते हैं यहाँ से और सामने में देखते हैं, और अंदर सारा पैनल आप देख ही सकते हो, मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह करके अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्टेड होंगे पैनल के, अगर जहाज के किसी इक्विपमेंट के बारे में डीपली जाने का, तो मुझे बता देना, मैं उस पर फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा पार्टिकुलरली उस पैनल के ऊपर, कि उस जो इक्विपमेंट के ऊपर अगर किसी को जानना होगा। तो ऐसे तो मान लो नॉर्मल पब्लिक को तो बस ये मतलब है कि जहाज पे आखिर कैसे चलाते हैं, जहाज कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये हमारा पूरा ये समझ लो जहाज का कंट्रोलिंग एरिया है, यहाँ से हम लोग जहाज चलाते हैं। अभी जहाज ये पोर्ट पे खड़ी है, तभी जहाज में ये कार्गो लोडिंग वोडिंग चल रही है, लार्ज लोडिंग अनलोडिंग है, और भी आप देख सकते हो ये साइड में ये हमारा CBO है। तो हमारा बेसिकली ये टोटल ये ब्रिज का जो है, ब्रिज ऐसे होते हैं, नेविगेशनल ब्रिज जैसे कहा जाता है। तो इस तरह करके हम लोग इसको पूरा, और किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं उसके लिए उसको दूसरा वीडियो बना दूंगा। और भी किसी को किसी इक्विपमेंट के बारे में जानना हो तो वो भी मुझे पूछ सकते हो, और तो मैं उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू।